हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। विजडम एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास टेंथ का अध्याय 8, पाठ का नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात और सर्वसमिकाएं। सबसे पहले हम त्रिकोणमिति के विषय में जानेंगे कि त्रिकोणमिति कहते किसे हैं। त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में ट्रिगोनोमेट्रिक कहते हैं। ट्रिगोनोमेट्री का हम सबसे पहले डिफिनेशन जानेंगे। त्रिकोणमिति गणित शास्त्र का वह भाग है जिसमें त्रिभुज के भुजाओं एवं कोणों के माप तथा उनके बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। उसके बाद आपको जानना होगा कि त्रिकोणमिति शब्द जो होता है वो ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक का 3 ग्रीक भाषा ट्री गोनी मेट्रोन है। ट्री मतलब 3, गोनी मतलब कोण, एंगल जिसको बोलते हैं, मेट्रोन मतलब मापन, जिसको मेंसुरेट बोलते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक का शाब्दिक अर्थ होता है तीनों कोणों का मापन। ये आपका त्रिकोणमिति का थोड़ा सा परिचय रहा। अब इस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात और सर्वसमिकाएं। सबसे पहले हम जानेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं। तो सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात का डिफिनेशन समझते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात को अंग्रेजी में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहा जाता है। डिफिनेशन इस प्रकार है कि त्रिकोणमितीय अनुपात वह है जिसमें समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण और 2 भुजाओं के बीच का संबंध स्थापित करता है, उसे त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। चलिए समझते हैं। सबसे पहले एक समकोण बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी, यहाँ लिखेंगे सी। ये आपका रहा 90 डिग्री। कहा है कि एक न्यून कोण और 2 भुजाओं के बीच, एक न्यून कोण मान लेते हैं कि एक यहाँ न्यून कोण हम यहाँ पे थीटा ले लिए। तो जब यहाँ पे न्यून कोण थीटा ले लिए तो ठीक सामने वाला जो थीटा के ठीक सामने वाला जो भुजा है ये क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, लंब कहलाएगा। लंब को अंग्रेजी में बोलते हैं परपेंडिकुलर, पर पेन डी कूलर, पर पेंडिकुलर का, ठीक है, जिसको संक्षेप में हम पी लिख सकते हैं। थीटा के ठीक सामने वाला भुजा लंब, नीचे वाला आधार, जिसको अंग्रेजी में बेस शॉर्ट में लिख सकते हैं इसको बी। और जहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा, ठीक सामने वाला जो भुजा होगा हमेशा 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा वो हमेशा कर्ण ही बनता है, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं हाइपोटेनस।
जिसको शॉर्ट में हम EH ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले जानेंगे कि थीटा के जगह पे जब त्रिकोणमितीय अनुपात या सरल समीकरण के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको आएगा कोणों का संकेत के रूप में, संकेत के रूप में, जैसे जैसे थीटा आएगा, जैसे अल्फा आएगा, जैसे बीटा आएगा, जैसे गामा आएगा, जैसे फाई आएगा, फाई आएगा, फाई फाई आएगा। यहाँ पे जितने मतलब कोण के जो संकेत यहाँ पे आए हैं वो सारे यहाँ पे आएंगे, और यहाँ की जो थीटा कोण है ठीक सामने वाला जो होगा वो लंब होगा, ठीक नीचे वाला उसका आधार होगा। हम यहाँ पर संकेत कर देते हैं लंब होगा, और उसके ठीक नीचे वाला जो होगा वह आधार होगा, और 90 डिग्री जहाँ एंगल बन रहा वो हमेशा कर ही रहेगा। एक और फिगर हम बनाएंगे त्रिभुज का, इसी को बता देते हैं एक मिनट। ये होगा आपका लंब, क्योंकि थीटा यहाँ ले रहे हैं ना, सामने वाला भुजा जो होगा वो क्या होगा, लंब होगा, जिसको आप पी से सूचित करेंगे। और यहाँ पे जो आपका आधार होगा, आधार होगा जिसको आप बी से सूचित करेंगे, और ये कर्ण हमेशा यहाँ पे आपका 90 डिग्री ठीक सामने वाले जो भुजा होगा वो हमेशा आपका कर्ण ही रहेगा। तो थीटा के सामने वाला लंब, ये सामने वाला लंब, इसके ठीक नीचे वाला जो होगी वह आधार होगी। ये बात समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति अनुपात 6 होता है, ये बता दें पहले कौन कौन सा 6 होता है। पहला होता है साइन, संक्षेप में लिख सकते हो। दूसरा होता है कोसाइन, को जिसको कॉस लिख सकते हैं। तीसरा होता है टेंजेंट, TANGENT, टेंजेंट जिसको हम लिख सकते हैं टैन लिख सकते हैं। उसके बाद चार नंबर होता है, हम यहाँ बता देते हैं, कोसाइन। कोसाइन तो हो चुका है, कोसाइन हो चुका है, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। और होता है आपको बता दें चौथा कॉस, कोसेंट होता है,
कोसेंट होता है, जिसको संक्षेप में लिख सकते हो कोसेक। उसके बाद सेगेंट होता है SEGENT, सेगेंट होता है सेगेंट, जिसको संक्षेप में सेक कहते हैं। और चौथा 1 2 3 4 5 6 छः नंबर पे आता है कोसेंट। कोसेंट हो चुका है और आता है कोट कोटेंट, जिसको बोलते हैं संक्षेप में कोट। इसको आप ऐसे शॉर्ट ले लीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, एक होता है साइन, संक्षेप में साइन लिखेंगे कोसाइन, कॉस लिखेंगे संक्षेप में, टेंजेंट जिसको टैन बोलेंगे, कोसेन जिसको संक्षेप में कॉसेक बोलेंगे, सेगेंट जिसको सेक बोलेंगे, कॉटेंजेंट जिसको कॉट बोलेंगे। अब हम आगे जानेंगे कुछ सूत्र जानेंगे हम सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री। पहले हम यहाँ पर ध्यान देंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे आपको, यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी, यहाँ लिखेंगे सी और यहाँ पे आप थीटा मानेंगे और ये आपका होगा 90 डिग्री। तो जब थीटा यहाँ पे, तो सामने वाला लंब होगा, नीचे वाला आधार होगा और ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग सूत्र समझेंगे, पहला साइन थीटा, तो साइन थीटा, तो थीटा के सामने लंब, तो लंब बट्टा कोण, लंब बट्टा कोण, या आप लिख सकते हो संक्षेप में इसको बताए थे कि ये होगा पी, ये होगा बी और ये होगा एच। इसको लिख सकते हैं आप लोग पी बटा एच। दूसरा कॉस थीटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आधार बटा कोण, इसको संक्षेप में लिख सकते हैं बी बटा एच। तीसरा फॉर्मूला होगा टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला होगा लंब बट्टा आधार, तो लंब का फॉर्मूला संक्षेप में हम बोलेंगे पी और आधार को बोलेंगे बी, ठीक है। अब चलिए अब हम लेंगे चौथा फॉर्मूला होगा, अब हम इसको अब साइन का उल्टा समझ लीजिए कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, तो लंब बट्टा कोण है, तो इसका उल्टा करेंगे तो कितना होगा कोण बट्टा लंब, एच बट्टा पी, ये चौथा नंबर। कॉस के उल्टा सेक, तो कॉस का उल्टा सेक लेंगे तो ये होगा पांच नंबर में सेक थीटा, तो सेक थीटा का हो जाएगा क्या कोण बट्टा, कोण बट्टा आधार, जिसको संक्षेप में आप लिख सकते हो बी बट्टा एच, तरीका होगा एच बट्टा बी। उसके बाद कौसे सेक, उसके बाद आपका हो जाएगा कॉट, तो कॉट थीटा का हो जाएगा आपका इसका उल्टा आधार बट्टा
लंब, तो पी बटा बी है तो बी बटा पी हो जाएगा। चलिए ये फॉर्मूला आप उतार लीजिए, ठीक है बच्चों। उसके बाद अगला फॉर्मूला होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे ट्रायंगल फिर बनाएंगे, यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ पे सी। ये आपका थीटा है, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका लंब है, ये आपका आधार है और ये आपका कर्ण है। ये आपको पी से सूचित किया जाता है, ये आपका बी से और ये आपका एक्स। तो इसका फॉर्मूला होता है अगला, हम पहले कर्ण का फॉर्मूला लिखेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसलिए हम कह सकते हैं कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। दूसरा लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, इसलिए लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तीसरा लेंगे आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, इसलिए आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। हम इसको संक्षेप में लिख सकते हो या एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसलिए एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। या इसको लिख सकते हैं संक्षेप में पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए पी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इसलिए पी बराबर सॉरी बी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला रहा, एक बार हम रिपीट कर देते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसलिए कर्ण बराबर अंडर रूट, स्क्वायर होता है तो रूट चढ़ता है। कर्ण में पढ़े होंगे सवाल, ये स्क्वायर होता है, अगर यहाँ पर मान है इसलिए ए बराबर स्क्वायर होता है तो क्या चढ़ जाता है तो रूट। कर्ण में आप ये भी पढ़े होंगे कि अगर रूट में होता है और ये ऐसा हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट है तो इस पर क्या चढ़ जाएगा स्क्वायर चढ़ जाएगा। तो एक बार रिपीट कर दें, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसलिए कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। संक्षेप में एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसलिए एच बराबर स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा तो रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, इसलिए लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर तीसरा फॉर्मूला, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, इसलिए आधार स्क्वायर बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। या बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इसलिए बी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया, आप लोग को याद कर लेना है इस चीज़ को बहुत अच्छे से, तब
त्रिकोणमितीय अनुपात और सर्व समीकरण के जितने क्वेश्चंस होंगे सारे इसी मतलब सूत्रों पर आधारित है। जैसे हम आपको बताएंगे चलिए अब नोट में कुछ चीज बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा नोट में। मान लेते हैं कि कहीं साइन थीटा लिखा है, ठीक है, तो साइन थीटा एक तो ये संकेत है, क्या है, संकेत है। तो आप ये मत समझिए कि साइन थीटा लिखा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एकदम ये गलत है। दूसरी बात, अगर मान लेते हैं कि साइन थीटा इसका स्क्वायर ऐसा लिखा होगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। लेकिन अगर यह साइन स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर लिखा है तो आप इसको कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये गलत है। ये इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं, ना कि ऐसे लिखेंगे। यदि इसको ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।